हे गाइस, वेलकम टू इजी फूड किचन। फ्रेंड्स, आज मैं चीजी सूजी बॉल्स बनाने जा रही हूँ। बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएंगे। सूजी से बनाए हैं तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही यम्मी और चीजी हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से इन्हें बनाइए। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने ठंडा कर लिया है। इसे हम ग्रेट करेंगे। ध्यान रखें, मैश नहीं करना है। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। हम हाथों से मैश करते हैं तो थोड़ी सी गुठलियां वगैरह रह जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी सूजी। तो मैंने बारीक वाली सूजी ली है। 1 चम्मच चिली फ्लेक, 1/4 स्पून ओरिगैनो, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच फ्रोजन कॉर्न है। इसे पहले पानी में धो लें और फिर छान लें। ये भी इसमें डाल देते हैं। अब हम सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद देखिए एक डो जैसा बन गया है। ध्यान रखिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि इसमें आलू हैं और आलू में काफ़ी मॉइस्चर होता है, तो पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हल्का सा ऑयल डाल देंगे। तो हल्का सा ऑयल मैं इस पर डाल देती हूँ अब, और एक बार फिर से इसे चिकना कर लेती हूँ। तो हमारा मिश्रण अच्छे से चिकना हो गया है। अब देखिए गाइस, मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। आप अमूल चीज़ ले सकते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसको मैंने कट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो इसकी स्टफिंग हम सूजी के बॉल्स में करेंगे। मैं अब इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लूँगी। इसको हम इस तरह से हाथ पर फैला लेंगे। अब इसके अंदर वो हम चीज़ रखेंगे। ये देखिए मैंने रख दिया। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और एक बॉल की शेप दे देंगे। चीज कहीं से भी दिखना नहीं चाहिए। सूजी बॉल बनकर तैयार हो गया है। तो सारे बॉल्स इसी तरह से बना लेंगे। सारे सूजी बॉल्स बन चुके हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें सूजी बॉल्स डालते हैं। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। सारे बॉल्स मैंने डाल दिए हैं और इन्हें अभी हम नहीं छेड़ेंगे। चलिए अब हम इन्हें पलटकर चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं ये सिके हैं या नहीं। ये देखिए ये सिकने लगे हैं। तो मैं सारे सूजी बॉल्स पलट लेती हूँ। ये देखिए इनका बड़ा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। गाइस, गर्मा गर्म चीज़ बॉल बिल्कुल तैयार हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही चीज़ी हैं क्योंकि इसमें हमने चीज़ डाली है। बहुत ही यम्मी हैं। ये देखिए लग रही है ना, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो गाइस, आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसी बनी है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।